इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। यदि आप परिवर्तन चाहते हो तो जरूर होकर रहेगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने शरद क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रज राज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। रसगुल्ले के ऊपर भाषण देने से, प्रवचन करने से रसगुल्ले के स्वाद के विषय में नहीं जाना जा सकता, लेकिन अगर रसगुल्ला आपको मिल जाए खाने को तो आप उसके स्वाद को पाकर आह्लादित हो सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जिस विषय को दिया गया है बोलने के लिए, उस विषय पर बोलने के लिए हमारे वाइस चांसलर महोदय थे, और फिर वेदांत के ऊपर बोलने के लिए डॉक्टर वेदांती जी, जो संपूर्ण रूप से आपको समझा लेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने रसगुल्ले के विषय में प्रवचन नहीं सुना, बल्कि मैं सिर्फ 10 मिनट पहले ही डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ से मिला हूं, और मुझे लगा कि जिस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले ऐसे हैं तो वहां के बच्चे कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। इनका प्रेम, और आप देख सकते हो जिस विषय को आपने दिया है मुझे, उन सबका कॉम्बो या संगम, तीन चीजें दी गई हैं, तीनों का संगम देख सकते हो आप यहां पर। ये संगम है, शब्दों के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी भारत शब्दों के अर्थ को खो चुका है, एक साधारण शब्द भी भारतीयों को ठीक से नहीं आता, इसलिए बड़े बड़े शब्द हमारे जीवन में सेमिनार्स के काम आ सकते हैं, हमारे जीवन में एक ऐसे डिबेट्स के काम आ सकते हैं। पर यह कि पक्की बात है कि काम तो वही आने वाला है जो विद्या आपके जीवन के भार से आपको मुक्त कर दे। विद्या का अर्थ क्या है, किस लिए विद्या ग्रहण करने आए हैं? आपसे तो अच्छे कबीर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि विद्या कहीं से कुछ ली नहीं, पर उनको इतना ज्ञान था कि हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जो छुड़ा देवे झूठा संसार। संसार छोड़ने की बात नहीं होती, बात होती है झूठा संसार। वो झूठा संसार जिसके कारण आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, परेशानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो गुरु जी को प्रणाम, सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय राधे राधे। आप MIT से आओ, हार्वर्ड से आओ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं पूजा करके वृंदावन से 1400 किलोमीटर खुद गाड़ी चला के आया हूँ, चार चार गाड़ियों को लेकर के, जब मुझे निमंत्रण मिला और मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों के बीच जाना है जो वास्तव में इस देश और दुनिया में पढ़ने के बाद जब निकलेंगे तो पीस हार्मनी वो वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम स्वयं ही अगर प्याज खाओगे तो तुम्हारे जीवन से प्याज की डकार आएगी, डकार लेते हो ना, और अगर इलायची खाओगे तो इलायची की डकार आएगी। तुम्हारे जीवन में अगर पीस होगी, हार्मनी होगा, आपके जीवन में अगर लव होगा, आपके जीवन में अगर बेफिक्री होगी, आपके जीवन में अगर निर्भयता होगी, फियरलेसनेस होगा, आनंद होगा, ब्लिसफुलनेस होगा, तो बताने की जरूरत नहीं। बल्कि विश्वनाथ कराट के इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे जहां जाएंगे तो मुझे एक गाना याद पड़ता है कि जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए।
अ से लेके ज्ञ तक कितने ही शब्द हैं, इसी में वेद लिखे हैं, इसी में गालियां लिखी हैं और इसी में बॉलीवुड के संगीत भी लिखे हुए हैं। इसलिए बुरा मत मानना, काम तो वो है, बात तो वो है जिससे तुम्हारी बात बन जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए। शिक्षा का अर्थ, मैंने दो प्रकार की शिक्षाओं के बारे में भारतवर्ष को बताया है, मेरा जीवन ही शिक्षा के विषय में बताने के लिए, क्योंकि मैंने जितनी भी डिग्रियां ली थी उसको बंद करके रख दिया है मैंने। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि हायर एजुकेशन लेना, क्योंकि जब लोगों के बीच जाओगे तो लोग पूछेंगे कि पैसे कमाने के लिए तो कहीं दाढ़ी बढ़ा के नहीं आ गया, कहीं पैसे की चाहत तो नहीं, तो इतना हायर एजुकेशन रखो। और ऊपर से, यद्यपि मैं इसको एजुकेशन नहीं कहता, मैं लिटरेसी कहता हूँ, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये समझना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, ये दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। मैं तीन घटनाओं से बड़ा विचलित हूं भारत में, मैं 10 मिनट के अंदर ही कंक्लूड करूंगा क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर 1400 किलोमीटर चला के आया हूं सिर्फ 10 मिनट आपसे बात करने के लिए, और फिर वही वापस जाऊंगा यहां से, वृंदावन की वो पवित्र भूमि जहां राधा और कृष्ण का प्रेम है, जहां हलाद है, जहां आनंद है, जहां बहुत ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है पर लोग आनंदित रहते हैं, लोग प्रसन्न रहते हैं, लोग खुश रहते हैं। और मैं ये जानता हूं कि इस दुनिया में चाहे जितने भी क्वालिफिकेशन तुम्हें लेने हो, चाहे दुनिया में कुछ भी तुम कर रहे हो, इस दुनिया का एक ही उद्देश्य है, मैं यहां बैठा हूं तो इसलिए कि मैं ब्लिसफुल हूं आपसे मिलकर, आप वहां बैठे हो इसलिए कि आप ब्लिसफुल हो वहां बैठकर, डॉक्टर कराड यहां बैठे हैं। मैं डॉक्टर कराड को बहुत बड़ा समाज से भी नहीं बताता, क्योंकि डॉक्टर कराड वही कर रहे हैं जो करने से उनको जीवन में आनंद प्राप्त होता है, वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया, ये रामायण में इसलिए नहीं लिख रहा है कि कोई पढ़ेगा, कोई कथा करेगा, कोई भारत को जगाएगा, कोई दुनिया को जगाएगा, कोई पैसे कमाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया, स्वंतः सुखाय, अगर ये मैं रामायण लिख रहा हूं तो इसे लिखने में मुझे खुद का आनंद महसूस हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने के बाद आनंद मिलेगा जब तुम्हारे पैकेज 20 लाख और 50 लाख के हो जाएंगे, ये मत सोचना, बल्कि पढ़ते हुए ही आनंदित होकर के पढ़ोगे तो आज भी आनंद रहेगा और उस समय भी तुम्हारे जीवन में आनंद रहेगा। ये जीवन आनंद के लिए, एक बहुत बड़ी भूल है भारतीयों की, जो कहते हैं आज संघर्ष है और कल आनंद है। हाउ इज इट पॉसिबल, रोपे पेड़ बबूल का और आम कहां पे हुए? संघर्षों के बीच बोने वाले आम के फल कहां से खाएंगे? जो आज आनंद के बीज बो रहा है वो कल भी आनंद के फल खाएगा, जो पढ़ते हुए भी आनंदित है वही नौकरी करते हुए भी और व्यवसाय करते हुए भी मेरे राहुल की तरह आनंदित रह सकते हैं। आज मैंने राहुल को कहा कि मिस्टर राहुल, श्रीमान राहुल जी, श्रीमान राहुल, इंडिया को भारत बनाना है। ये बात मेरे कान में आज आई, यद्यपि तब मैं यहां नहीं था, ये मेरे कान में बात आई। और सच पूछो, मैं आपसे फिर कहता हूं कि रसगुल्ले के विषय में भाषण देना बहुत इजी है, पर बना बनाया रसगुल्ला अगर देखना है, इन तीनों के साइंस, स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी, तो तीनों का अगर बना रसगुल्ला देखना है तो मेरे प्यारे राहुल को देख लो। मैं सत्य कहता हूं, मैं यहां इनकी बड़ाई करने नहीं आया, मैं 2 मिनट इनसे मिला, मेरे गुरु ने मुझे इतनी शक्ति दी है, मुझे सिखाया है कि जब कोई पीपल आपके सामने आए तो उनके हृदय से रेज आते हैं, किरणें आती हैं, उन किरणों को आप पहचानते हो और समझ लेते हो। जब राहुल मेरे पास आए, 1 मिनट की हमारी बातचीत हुई और मैंने कहा कि जो विषय मुझे दिया गया है अब मैं भाषण करने से बच जाऊंगा, क्योंकि भाषण का फल तो मेरे सामने खड़ा है, मैं लोगों को दिखा दूंगा कि यही है। इन तीनों के संगम से अगर करोगे तो आज इस विराट हॉल में, ये सबसे बड़ा डोम है, मैंने सुना दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा विराट डोम है, बहुत सुंदर बनाया गया है। आज गवर्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया है और बहुत सारे MIT के बच्चे भी खुश होंगे। लेकिन एक बात और आपको कहता हूं, अंतिम बात, 3 चीजें जो मुझे बहुत दुखी करी वो कहना यहां पर उचित है। स्पिरिचुअलिज्म के शीर्ष पर बैठे हुए भारतवर्ष में एक घटना हुई, जब अखाड़े के महंत या तो उनकी हत्या कर दी गई या उन्होंने आत्महत्या कर लिया, अभी ये CBI के अंतर्गत है, ये बात में आएगा सामने, ध्यान से सुनना, ये आपके काम आएगा, स्पिरिचुअलिटी के शीर्ष पर बैठे हुए। दूसरा, जो बॉलीवुड है, ग्लैमरस दुनिया, सुशांत सिंह राजपूत, वो सुशांत, उनकी भी हत्या हुई या उन्होंने सुसाइड किया, अभी CBI का पूरा रिपोर्ट नहीं आया।
एंड थर्ड बिहार IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा इस देश की सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है और पढ़ाई मानी जाती है। किसी का बेटा IAS हो तो गर्व से कहता IAS मेरा बेटा DM IAS मिस्टर पांडे बिहार के बक्सर जिले की पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा IAS DM साहब को दिया गया। घर में एक छोटी सी घटना हुई, एक बहुत छोटी सी घटना, आपस में कुछ क्लैश हुए, उस तनाव को न झेल सके और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी और वो समाप्त हो गए। स्पिरिचुअलिटी के शीर्ष पर बैठे, एजुकेशन के शीर्ष पर बैठे और नेम एंड फेम हॉलीवुड जिसको आप ग्लैमरस दुनिया कहते हैं, एंड चौथा भी मेरे पास है अरुणाचल के भूतपूर्व CM, उन्होंने भी यही किया। यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप अध्यात्म की ओर जाना चाहते हो और भगवान को पाना चाहते हो, भगवान की शरण में जाना चाहते हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद आप में एक अद्भुत परिवर्तन होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, जिन लोगों ने मनी को मान लिया है प्रपोर्शन कि मनी के द्वारा ही सुख है, मनी के द्वारा ही ब्लिसफुलनेस है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस दुनिया में सबसे टॉप 3 कंट्री का नाम बताओ जिनकी कैपिटल पर एनम बहुत सबसे अच्छी है, कौन है वो? अमेरिका, जापान एंड स्वीडन। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं मनोरोगी है, अगर सबसे ज्यादा कहीं पर साइको पेशेंट है, तो 3 कंट्री के नाम बताओ, अमेरिका, जापान एंड स्वीडन। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा 3 देशों में आत्महत्याएं हुई, तो उन तीनों का नाम बताओ, अमेरिका, जापान एंड स्वीडन। ये तीनों पैसे में सबसे ऊपर हैं और पागल होने और मरने में भी सबसे ऊपर है। हमारा भारत जो वैदिक ज्ञान को लेकर के डॉक्टर रामविलास वेदांती जी यहां बैठे हुए हैं, आपको वेदांत के सिद्धांतों से परिचित कराएंगे कि वेदांत का सिद्धांत आज भी कितना उपयोगी है, मॉडर्न है। मॉडर्न का अर्थ ये नहीं होता, मॉडर्न हमारा साइंस बहुत पहले था। पुष्पक विमान की बात जरा याद करो, जिसमें चाहे जितने भी लोग बैठ जाएं पर एक सीट खाली रहती थी। अभी तक वो विमान बने नहीं है भारत में और दुनिया में। अमेरिका ने वैसा विमान बनाया नहीं कि चाहे 500 आदमी बिठा दो पर एक सीट खाली रहे। और ये कल्पना नहीं हो सकती, केवल कल्पना नहीं हो सकती, ये कल्पना ही है राहुल के द्वारा जो इतनी बड़ी MIT। और मैं राहुल को आज एक बात और कहना चाहूंगा कि ये हम तो कहते हैं कि बूढ़े तोते राम राम नहीं किया करते, जिनके कंठ फूट जाते हैं और जल्दी नहीं सीखते। मैं चाहूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन में भी ये संस्थान, ये ट्रस्ट भारत और दुनिया में बच्चों के लिए भी ऐसा विद्यालय खोले जहां से बच्चे ये निकले। और मिस्टर राहुल, मेरे पास भी भगवान का दिया बहुत बड़ा संपत्ति है, कम से कम वो सारा संपत्ति मैं राहुल को दान कर सकता हूं अगर इस क्षेत्र में काम होता है। मैं करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे प्रारंभ से, जिन बच्चों को आपने हायर एजुकेशन तक लाकर वही पढ़ाई पढ़ाई मैकाले की, और अब आप कहोगे वैदिक पढ़ाई पढ़ के और आप जीवन के आनंद को लेना शुरू कर दो, देन हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है? आपने 18, 20 साल, 21 साल तक जिन बच्चों को जिस शिक्षा पद्धति में पढ़ाया है और अब आकर अगर बदलना चाहोगे तो थोड़े बहुत तो बदल जाएंगे, पर बचपन के संस्कार कभी भूलते नहीं, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहे, तो बचपन का एजुकेशन भी कहीं भूलते नहीं, बचपन का लिया हुआ लिटरेसी भी कहीं भूलते नहीं। इसलिए बचपन की सुधार की जरूरत है। मैं आपसे अंतिम बात करने आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों क्या कहूं, फ्रेंड कहूं आपको, मेरे मित्र, क्योंकि मैं भी किसी कॉलेज से आया हूं, आपकी तरह ऐसे ही किसी कैंपस में घूमा करता था, और हमारे यहां भी जब लोग ऐसे लेक्चर दिया आने करते थे तो हम भी बैठ करके हंसते थे कि ये बाबा का चूड़ा जो ये असली है कि नकली लगा के आया है, हम भी हंसा करते थे जब हमारे यहां भी लोग आया करते थे। और आज आप भी उसी स्टेज में हो, लेकिन आप डॉक्टर कराट के निगरानी में हो, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वैदिक संस्कृति से लेकर के हमारी आधुनिक संस्कृति के संवाहक हो, और आप इस देश और दुनिया में जहां भी जाओगे भारतीय संस्कृति नहीं, मैं तो आज देखा मैंने लिखा हुआ कि विश्वधर्मी, मुझे इतना अच्छा लगा। और किसी धर्म, धर्म का अर्थ ही होता है बीइंग एंड बिकमिंग, लिसन मी, रियल धर्म इज बीइंग एंड बिकमिंग। हम कैसे बचे, हम कैसे बढ़े, लोगों को कैसे बचाएं और लोगों को कैसे बढ़ाएं, यही धर्म की परिभाषा है। और डॉक्टर करावत
ऐसे विश्वधर्मी, यूनिवर्सल धर्मी, जो केवल लोगों के बचने और बढ़ने का उपाय कर रहे हैं, लोगों में आनंद पीस का उपाय कर रहे हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर मेरे जीवन में थोड़ा भी संकट है तो मैं तो पहले लंबी आयु का आशीर्वाद देने आया हूँ कि ये बरसों बरस तक जीते रहे और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसे पीस और हार्मोनी के सुंदर ब्लिसफुलनेस के यूनिवर्सिटी खोले जहां पर आनंद ही आनंद लोगों को मिलता है। मैं अपने हमारा टाइम 9 मिनट्स ओवर ओके, तो टाइम के अंदर ही अब बात तो ऐसी है कि हमारा बोलने का थोड़ा ज्यादा मतलब आदत है। मैं 14 आवर्स आंखें बंद करके, वो हमारा भी है लिम्का बुक में, आपने देख 14 घंटे तक आंखें बंद करके बोलते रह गए। अब बाद में लोगों ने देखा, बाबा जी 14 घंटे हो गए, हमके लोग घटे क्या? बोले 4 से 40 हजार हो गए। भाई मौज मनाओ, ताली मारो, फिर तो बढ़िया हो गया। लोग अगर आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो बातें 14 घंटे और 24 घंटे की नहीं है। लेकिन फिर भी डिसाइपल डिसिप्लिन, मैं एक अच्छे गुरु का शिष्य हूं, मेरे गुरु ने मुझे यह सिखाया है, मेरे गुरु ने मुझे ये सब कुछ दिया है। यद्यपि वो इस दुनिया में सशरीर नहीं है, पर कोई किसी भी गुरु का कभी स्पिरिचुअल महापुरुष का कभी डिमाइश नहीं होता, वो कभी यहां से मिस नहीं होते, वो ऑलवेज इन फिजाओं में, आपके चरित्र में और अपने शिष्य में सदा सदा के लिए वर्तमान और विराजमान रहते हैं। मुझे पक्का पता है कि MIT यूनिवर्सिटी में जो आज मैं आया हूं, मैं तो पहले बहुत आश्चर्यचकित हूं कि पुणे की धरती पर इतना सुंदर, जब मैं घूमता था डॉक्टर कराट का हाथ पकड़ के तो मुझे ऐसा लगता था, मैं स्वर्ग तो नहीं कह सकता क्योंकि स्वर्ग बहुत अच्छी जगह नहीं, मेरी निगाह में वृंदावन और गोकुल और भैया ऊपर जो हम कहते हैं साकेतवासी और गोलोकवासी, हम गोलोक से अच्छा किसी को नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि एक वैदिक संस्कृति और मॉडर्न फ्यूजन के साथ डॉक्टर कराट का हाथ पकड़ के कहीं घूम रहा। बच्चों की ये उपस्थिति, लोगों की ये उपस्थिति, ये जोरदार। और यहां मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर कराट जब आपको इशारा करें तभी ताली मत बजाया करो, जब अच्छा लगे तो बजा लिया करो। वो बैठे रहते हैं, कराट डॉक्टर कराट ऐसे करते हैं तब ताली बजाते हैं। आपको जिनकी बातें अच्छी लगती हो दिल खोल कर ताली बजाया करो, अगर क्लैपिंग करोगे तब तो समझ में आएगा कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं, मैं आपकी बातों से कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो बोलने वाले को भी आनंद मिलता है। हमारे बीच में देखिए डॉक्टर पटकर बैठे हुए, जिस समय अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, वारे भारत और वारे भारत मां के लाल, भारत मां के बेटे ने परम कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण समागम आज नहीं है। अंत में फिर यही कहते हुए कि जीवन में 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, स्पिरिचुअलिटी के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की भी अगर उनके शिष्य हत्या करते हैं तो ये भी सोचने की बात है, और अगर आत्महत्या होती है तो ये भी सोचने की बात है भारतवर्ष को। अगर राजगद्दी के शीर्ष पर बैठने के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई सुसाइड करता है तो ये भी सोचने की बात है। अगर बॉलीवुड के इतने बड़े चमक दमक की दुनिया के बाद भी कोई व्यक्ति सुसाइड करने पर आमदा होता है, अगर चाहे वो ड्रग्स ले चाहे कुछ भी करे। एंड चौथा सबसे बड़ा IAS, उसके बाद भी अगर छोटे से तनाव को न झेल सके जीवन में, इसलिए मेरी 2 विद्याओं को डॉक्टर कराट को कहके और अपने प्रिय मित्र मेरे पुत्र संत के नाते मेरे राहुल को ये कह के जाता हूँ कि विद्या 2 प्रकार की होती है, एक जीविका की विद्या हाउ टू अर्न मनी और एक जीवन की विद्या हाउ टू लर्न मनी। दुनिया अर्न मनी कर रही है और भारत अब लर्न मनी करने की ओर आगे बढ़ रहा है। जब मनी के चरित्र को लर्न कर लेंगे तो यह मनी हमें आनंद देगी, और नहीं तो यही मनी तुम्हें मनी 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 पता नहीं क्या कर देगी। इस मनी के चक्कर में क्या क्या होते हैं, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू लर्न मनी। जब किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना तो अपने बच्चे को कह देना कि यहाँ पर तुम्हें बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया कमाने की विद्या मिल जाएगी, क्योंकि हावर्ड से पढ़ करके आओ या सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आओ, तुम्हारा एक ही उद्देश्य होता है कि तुम्हारे पर एनम में तुम्हें कौन सी सैलरी मिल रही है, इसके लिए तुम काम करते हो। तो कह देना कि यहाँ तुम्हें मनी कमाने की विद्या मिलेगी, और उसी समय किसी संत सदगुरु और ऋषि के चरणों में
चले जाकर के अपने बच्चों को दीक्षा दिला के कहना वहाँ अर्णमणि की विद्या मिलेगी और यहाँ लर्णमणि की विद्या मिलेगी। दोनों विद्याएं पैदल लेके चलना, रेल की पटरी की तरह लेकर चलना, तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। अगर दोनों पटरी ठीक रही तो रेल स्मूथ चली जाएगी ट्रेन और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ये दोनों चीजें अपने बच्चों को सिखा दो मेरी माँ। आपको भी यही कहता हूं कि उनको कॉन्वेंट की संस्कृति देनी है तो दे दो, कोई बात नहीं, पर साथ साथ किसी संत किसी सदगुरु, और ये मत कहना कि आजकल संत और सदगुरु पर भरोसा नहीं। आजकल तो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं इस दुनिया में, अपवाद हर जगह है, डॉक्टर भी किडनियां निकाल रहे हैं। तुम्हारे पिता बीमार पड़ेंगे, किडनी खराब होगी तो क्या सब्जी वाले के पास ले जाओ, कहां ले जाओ बताओ। इंजीनियर्स भी ऐसे हैं जो पुल गिरा दे रहे हैं, स्कूल गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कुछ बनाना हो तो कहां जाओगे, उन्हीं के पास जाओगे। इस दुनिया में टीचर भी ऐसे हैं, दुनिया में कोई प्रोफेशन खराब नहीं होता, मनुष्य के विचार खराब होते हैं, उनकी मोरलिटी खराब होती है, जिस कारण वह जहां भी रहेंगे, तुम इस कमरे में भी रहोगे तो मैं रितेश्वर ही रहूंगा, इसके बाहर भी रहूंगा तब भी रितेश्वर रहूंगा, अभी मुंबई जाऊंगा तब भी रितेश्वर रहूंगा। जगह परिवर्तन से मेरे मोरलिटी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, कमरे परिवर्तन करने से मनुष्य नहीं बदलते। इसलिए इस दुनिया में कभी मत कहना कि भगवान पर विश्वास नहीं रह गया, धर्मों पर विश्वास नहीं रह गया, ये अपवाद हर जगह चलते रहते हैं, तुम इसे मत देखो, तुम ये देखो। और अगर अंतिम बात कह के बैठता हूं, अगर राम जी ये देखते तो विश्वामित्र को कभी गुरु नहीं बनाते। डॉक्टर साहब यहां बैठे, विश्वामित्र भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के गुरु। अगर कोई डॉक्टर शाकिर नायक पूछ दे कि क्या आपके धर्म में ऐसे ही लोगों को गुरु बनाया जाता था जो मेनका को देख करके फिसेंगे, मेनका का अर्थ क्या है, जैसे बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस उस जमाने में वही सबसे फेमस थी, मेनका आई और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि मेनका के साथ चले गए, एक पुत्री को जन्म दिया शकुंतला, दुष्यंत से विवाह हुआ और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम रहा भरत, और उसी भरत से आज इसको शायद भारत भी कहते हैं। तब तो कहने वाले ये कह देंगे इसका नाम भारत कैसे पड़ा, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब देंगे ये कॉन्वेंट संस्कृति के लोग, क्या जवाब देंगे ये यूनिवर्सिटी के लोग अगर कोई ऐसा सवाल पूछा तो। और तुम्हारे राम जी कहते हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और एक ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाते हैं जो मेनका से फंस गए, क्या जवाब दोगे। एलियंस है आपके पास, कुछ बताता हूं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने राम के बारे में, अपने कृष्ण के बारे में। भगवान राम से भी यही प्रश्न पूछा गया, क्यों बना लिया, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण बनाते तो चलता था, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको तो किसी क्लीन इमेज वाले व्यक्ति को अपना गुरु घोषित करना चाहिए था, आपने विश्वामित्र को क्यों घोषित किया। भगवान राम ने उत्तर दिया कि विश्वामित्र एक बार जीवन में मेनका के साथ गए, और दूसरी बार जब फिर लंबा आई तो विश्वामित्र ने उंगली दिखाकर पत्थर का बना दिया कि विश्वामित्र जीवन में एक गलती एक ही बार करता है, दोबारा वही गलती नहीं करता। भगवान राम कहते हैं इस दुनिया में, मुझे एक बड़ा प्यारा गाना लगा था राहुल, ये धरती है इंसानों की कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम, ये धरती है इंसान है, गलतियां हो सकती है, अपने साधों संतों और बड़े लोगों को इतना छुई हुई मत बनाओ कि कोई एक पत्थर मारे और गिर जाए, इतना ज्यादा उनको कसो मत, इतनी हायर स्टैंडर्ड के अपनी आंखें मत लगाओ लेंस उनको देखने के लिए, नहीं तो भारत की संस्कृति बचेगी नहीं, वैदिक संस्कृति बचेगी नहीं, लोग चित्कार करेंगे, गालियां देंगे, कपड़े को देख करके पीछे दौड़ेंगे। विश्वामित्र ने जब ये बात कही, भगवान राम ने कहा सुनो, विश्वामित्र ने एक बार एक ही गलती की, दूसरी बार उधर देखा भी नहीं, और ऐसा कोई मनुष्य मुझे इस दुनिया में ऋषि मिल जाए तो मैं शिष्य और भक्त नहीं उसे अपना गुरु बनाने को तैयार हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यही तो करना दुनिया, अपनी भूलों से सीखो मेरे प्यारे बच्चों, और जीवन में कभी गलत संगति मत रखना, बैठ लोगों की मित्रता मत रखना। कई कई ने 1.5 मिनट की मित्रता की थी केवल और केवल मंथरा से, पति का स्वर्गवास, भगवान का वनवास, और जिस बेटे के लिए राजगद्दी मांग रही थी
भी खोद कर 14 साल तक रहे, गड्ढे में जमीन में भी नहीं गए। लोग तो जमीन पर चलते हैं पर भरत गड्ढे में रहे। जिस बेटे के लिए राजगद्दी मांगी वो गड्ढे में रहे, जिस राम को दूध पिलाती थी वो वनवास हो गए, और जिस पति को इतना प्यार करती थी कि पहिए में उंगली लगा दी थी युद्ध में, उस उनका स्वर्गवास हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ वो 1.5 मिनट की मंथरा की संगति के कारण। और ये मंथरा कोई लेडीज नहीं है, मंथरा बोलते ही लोग महिलाओं की तरफ देखने लगते हैं। मंथरा एक बुद्धि है जो आपको धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से और मोरालिटी से अलग हटाती है। वो बुद्धि को मंथरा बुद्धि कहते हैं। वो पुरुष हो या स्त्री हो या हायर सोसाइटी का आदमी हो, कोई भी मंथरा हो सकता है। मंथराओं से बचना तो जीवन में आनंद करोगे, मौज करोगे, मस्ती करोगे। श्री आनंदम धाम का यही पैगाम है, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर क्रार्क, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, पीस हारमोनी एंड पीसफुल लाइफ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अगर कोई होगा तो MIT पहले होगा, ऐसा मेरा मानना है, जानना है और सुनना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो भारत माता की, लव यू ऑल।